है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। मोहित ब्लॉग में आपका स्वागत है। फाइनली गाइस, आज हम जा रहे हैं हुसैनपुर और वहां पे आ रहे हैं चीफ चंद्रशेखर आजाद। और चलो चलते हैं, वहां पे मिलते हैं। जैसा कि फाइनली गाइस जा रहे हैं, ये देखिए और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी खड़ी हुई है यहाँ पे है, और सामने स्टेट लगा हुआ है। ये देखिए स्टेट यहाँ पे अभी तक बोले हैं, और यहाँ पे अभी चंद्रशेखर अभी तक आए नहीं है। आपने अपना समय निकाल के प्रोग्राम आयोजित किया है। अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो आप अपने काम पे या अपने घरों में कुछ ना कुछ कर रहे होते, तो मैं आपके समय का भी ख्याल रखता हूँ। और आपकी मेहनत के कारण, आपकी दर्द शक्ति कारण सूर्य भी जो है थोड़ा सा मेहरबान तो हमारे लोगों पे हुआ। जो अभी तक ठंड का माहौल था, अचानक से धूप आई है, और धूप के कारण हमारे चेहरे और लोगों के चेहरों पे भी थोड़ी सी जो है वो खुशी दिखाई दे रही है। साथियों, लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो नफरत की राजनीति भारत में चल रही है उसके ऊपर हम एक ऐसा प्रयास करें कि वो नफरत की राजनीति खत्म होके और भाईचारे का कारवा जो है आगे बढ़े। और इसके लिए हमसे पहले हमारे महापुरुषों ने समय समय पे एक बड़ा योगदान देने का काम किया, चाहे उसमें महामानव तथागत बुद्ध हो, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज हो, भगवान वाल्मीकि महाराज हो, गुरु नानक देव हो, संत कबीर, या फिर आजाद भारत से पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गाड़गे जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लल्ली यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना बाला वाल्मीकि साहब, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम ने अपने जीवन का, अपने अपने अमूल्य समय का, अपने सुविधाओं का बलिदान करके एक ऐसा प्रयास भारत में किया है कि भारत में रहने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और तमाम महिलाओं को स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने का अवसर मिले। साथियों,
अधिकारों की बात करते हैं तो जो वर्तमान की उत्तर प्रदेश में सरकार है वो झूठे मुकदमे लगा के या डरा के हमारी आवाज को दबाने का काम कर रही है। आप लोकसभा में नहीं बोल पा रहे हैं, आप राज्यसभा में नहीं बोल पा रहे हैं, और अगर आप अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे आ रहे हैं तो सरकार के इशारे पे पुलिस अपनी जिम्मेदारी को भूल के कमजोर लोगों को न्याय देने की बजाय उनको दबाने का काम कर रही है। कि लोकतंत्र में जो सरकारी मशीनरी के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को न्याय दिलाने का काम करें और लोगों की मदद करने का काम करें। पहले राजतंत्र था, आजादी से पहले राजा महाराजाओं के बीच लड़ाई होती थी, हाथी घोड़ों पे, ऊंटों पे, तलवार भालों बंदूकों के जरिए जो है राज पलटा जाता था, कभी किसी राजा का राज, कभी किसी राजा का राज। आम जनता केवल मोहरा बन के बाकी थी। महापुरुषों ने इस बात को समझा और इस देश में वोट का अधिकार देके ये जिम्मेदारी दी कि जनता जिसको तय करेगी वो ताकतवर हो जाएगी। आज लोकतंत्र में जनता के हाथ में ताकत है। जनता जिसे वोट देती है, जिसको नेता चुन के भेजती है, जिनकी सरकार बनती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के दुख सुख उनकी समस्याओं का हल करे। लेकिन वर्तमान में जो सरकारें हैं वो तो जनता को, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, गरीब हो, मजदूर हो, उनको लूटने घसोटने पे लगी हुई है और जो अधिकार उनको मिले हैं किसी तरह से उनको खत्म करने का प्रयास कर रही है। भारत में लोकतंत्र के आने के बाद मेरे जैसे हजारों लोग, आपके जैसे हजारों लोग, गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, मजलूमों के बच्चे आगे बढ़ के विधानसभा और लोकसभाओं में गए और वहां से अपने लोगों के हितों के लिए कानून बनाने का काम किया। जो दैनिक समस्याएं हमारे लोगों के सामने हैं, उनको हल कराने का काम किया। मैं एक दर्द लेके अपने साथियों के साथ जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में काम कर रहे हैं उस दर्द को लेके निकला और जो दर्द और जो आग मेरे अंदर है कि देश में हर वर्ग के लोगों को स्वामी मान सम्मान और रोटी कपड़ा इज्जत का जीवन जीने का जो है अधिकार मिलना चाहिए, जाति और धर्म के आधार पे बंटवारा करके उनके अधिकारों को जो छीनने काम सरकार कर रही है बंद होना चाहिए। तो हमारा एक प्रयास ये है कि जो आग मेरे सीने में लगी है, जो दर्द मैं महसूस करता हूँ, वो मैं चाहता हूँ आप लोग भी महसूस करें। अभी अभी आपने एक महीने के पहले ही उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए, एक मैनपुरी का और एक आपके बगल में रामपुर का और एक दूसरा आपके बगल में खतौली का। बिजनौर एक ऐसा जिला है जिससे मुजफ्फरनगर भी मिलता है और रामपुर भी लगभग मिलता है। दोनों जिलों में चुनाव हुआ, जनता के हाथ में अवसर थे कि जनता किसको चुन के भेजे। खतौली में तो वहां जो भाईचारा बना, उस भाईचारे के दम पे हमने भारतीय जनता पार्टी से वो सीट छीन ली और मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री और तमाम नेता उनके जो दावे कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कोई हरा नहीं सकता, उनको हरा के हमने उनको सबक सिखाने का काम खतौली में किया। लेकिन रामपुर में जब आजम भाई ने मुझसे कहा कि आप आ जाओ और आके देखो कि रामपुर में कैसा चुनाव हो रहा है, और मैं रामपुर में गया और मैंने देखा कि जैसे अंग्रेजों के समय में बंदूकों की नोकों पे फैसले होते थे, रामपुर में बंदूक की नोक पे जो है चुनाव कराया जा रहा है।
जो आदमी मीटिंग करा ले उसके यहाँ सामने पुलिस पहुंच जाती, झूठे मुकदमे लिखती है, उसको कहती कि कल के बाद रामपुर में नहीं दिखाई दोगे। शायद आजाद भारत में ऐसा चुनाव पहले कभी मैंने तो नहीं देखा, जब से मेरी उम्र हुई है और मैं चीजों को देख रहा हूं। तब मुझे समझ आया कि अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो आने वाले कल में यूपी के मुख्यमंत्री और उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं मोदी जी और अमित शाह जी, शायद इस देश में जो गरीबों के पास वोट का अधिकार है उसको भी छीनने का काम करेंगे, उसको भी जो है खत्म करने का काम कर देंगे अगर जनता यहाँ को हमने जागरूक करके एकजुट नहीं किया। तो रामपुर से हमने सीख ली, जनता लोकतंत्र में वोट देकर तय करती है कौन जीतेगा, लेकिन अवसर हम लोग आजाद समाज पार्टी के माध्यम से देंगे। हमारी एक बहन जो प्रभा जी हमारे साथ है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये नजीबाबाद की हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, ऐसे ही गरीब कार्यकर्ता हमारी पार्टी के हैं लेकिन स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के लिए पूरे मंगल कामनाएं और ये उम्मीद और विश्वास कि इस लड़ाई को लड़ने में आप हमारी मदद करेंगे, हमें ताकत देंगे। और क्योंकि ये गरीबों का दल है, ये धंधा सेठों का दल नहीं, तो धन तन मन और धन से तीनों चीजों से हमारी पार्टी का सहयोग करेंगे, हमें अवसर देंगे, हम इस लड़ाई को आगे तक बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। यहाँ की समाप्ति होती हुई है, देखे शेखर भाई है और यहाँ पे हमारे बीच में हमारे भाई यहाँ पे बडाली से भी